राज्यपाल से मांग, प्रवासी मजदूरों के लिए बनाएं डेटाबेस और सहायता केंद्र। हिंदी भाषी फाउंडेशन ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और महाराष्ट्र में काम धंधे के लिए आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए व्यापक डेटाबेस तैयार करने और उनके लिए सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने की मांग की। अध्यक्ष आनंद सिंह बंटी के नेतृत्व में फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को 6 सूत्रीय मांगों का निवेदन दिया, जिसमें मजदूरों का डेटाबेस बनाने, कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने, मजदूरों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य बीमा कराने एवं बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन जैसी मांगों पर जोर दिया गया है। राज्यपाल के साथ मुलाकात और चर्चा की जानकारी देते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष आनंद सिंह बंटी ने कहा कि हमारी मांगे उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों के हित के लिए हैं। यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हिंदी भाषी फाउंडेशन आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए विवश होगा। आज हिंदी भाषी फाउंडेशन के माध्यम से आज हम सभी पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की। विषय था कि जो हमारे श्रमिक भाई आज इस कोरोना के महामारी के चलते महाराष्ट्र छोड़ के, उन्हें मुंबई छोड़ के अपने राज्यों में, अपने गांव में जाना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने यथासंभव कोशिश की उन्हें मदद देने की और मदद भी किया, लेकिन वो मदद काफ़ी नहीं थी, क्योंकि श्रमिक भाइयों के पास में जो कागजात चाहिए थे वो कागजात उनके पास नहीं थे। कागजात न होने की वजह से उन्हें मदद नहीं मिल पाई। हमने महामहिम जी से मुलाकात कर उनसे मांग की है कि जो भी श्रमिक भाई, चाहे वो राज्य के हो चाहे पर प्रांत के हो, मुंबई या महाराष्ट्र में आने के बाद उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाए। जिस भी ठेकेदार और मालिक के पास वो काम कर रहे हैं वो उनका मेडिक्लेम और इंश्योरेंस निकालें, उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार दें, उन्हें अच्छे स्वस्थ जगह पे और अच्छे साफ सुथरे जगह पे उन्हें रखने की व्यवस्था की जाए। राज्यपाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इन मांगों को मैं मुख्यमंत्री के पास रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इसे पूरा किया जाए। और मैं इस विषय को लेके मुख्यमंत्री जी से, पवार साहब से, बाड़ा साहेब थोराज जी से, युवक अध्यक्ष सतीश तांबी जी से इस विषय पर मिलने वाला हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो हिंदी भाषी फाउंडेशन इस विषय को लेके भूख हड़ताल पर भी बैठेगा। बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान हिंदी भाषी फाउंडेशन के सचिव विशाल सिंह, सदस्य पुरुषोत्तम कुमार एवं आर एस सिंह समेत कई पदाधिकारी खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार प्रवासी मजदूरों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।